सबसे पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो 9 बज गए, तो अभी देखे अभी तक मैं तैयार नहीं हुई। तो भाई हमारा जो जानवर है वो अभी जीबा हो रहा है, तो चलो जी आपको वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह जो हमारा जानवर है वो काफी बन चुका है, और वो देखे अभी बना रहे हैं। तो मैं भी ना उतनी देर फटाफट तैयार हो जाऊँ, फिर तो खाना वगैरह भी बनाना है। तो वैसे भी भूख भी बहुत लगी, और आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि ना आज तो ना बारिश ही हो जाए, क्योंकि सब लोगों को इंतज़ार था कि ईद आएगी फिर गोश्त आएंगे। अभी ईद आई है तो ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो आप सब ने मिलकर दुआ करनी है अल्लाह से कि वो ना जल्दी जल्दी बारिश दे दे, और जो ईदी है ना वो ठंडी हो जाए, और मज़े से सब गोश्त खाएँ। तो चलो जी अभी मिलते हैं, मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद फिर मिलते हैं, और फिर गोश्त बनाएँगे और फिर सबको खिलाएँगे। तो हाँ जी, अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं, और मैंने कहा चलो जी अपना साथ में हल्का फुल्का जो काम है वो भी ख़त्म कर लूँ। और ये रहा मेरा न्यू ड्रेस, अभी जो ईद के लिए मैंने लिया था रात को, इतनी मुश्किल से मुझे पसंद आया। और दुपट्टा जो है ना वो उनके पास मैच नहीं हुआ था, इतनी मुश्किल से हमें मिला ना, बहुत सारा शहर फिरा और फिर मिला हमें ये दुपट्टा। और अभी मैं ना नहा करना रेडी हो जाती हूँ, अभी जानवर जो हमने कर लिया ना उनको भी अंदर ले आए वहाँ पर गिराज में, और पंखा चला दिया। तो अभी मैं ना फटाफट तैयार हो जाऊँ, फिर मैं भी उनके साथ में गोश्त बनाऊँगी। हाँ जी देखिए अभी मैं हो गई तैयार, और गोश्त बाल जो है ना वो गोश्त बना रहे हैं उनके लिए। अभी मैं बना रही हूँ कलेजी, ये देखें ये रही कलेजी, वो बना रहे हैं गोश्त। और उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए मैंने कहा चलो मुझे आप अपना गोश्त बनाओ, मैं जल्दी जल्दी आप सबके लिए बनाती हूँ कलेजी। तो देखिए माशाल्लाह सारा गोश्त बन के तैयार हो गया है, तो अभी हम इससे करेंगे और बांटेंगे। और वैसे तो किसी का ऐसा नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर जो हमारे फौत हुए उनके भी हमने इसे डाले, और अपनी फैमिली मेंबर के लिए और किसी को देंगे। तो चलो जी ये देखें एक पीस हमने रखा है, और इसको तो मैं खुद बनाऊंगी। और मेरा दिल कर रहा है कि इसको ना भून कर खाऊं, पर इतना बड़ा है मुझसे तो उठाया नहीं जाएगा, मैं इसको अकेली बनाऊंगी कैसे। खैर खाने वाले साथ में हेल्प तो करेंगे ना जी। तो इनको भूख भी बहुत लगी हुई है बेचारे, सुबह से लगे हुए 9 बजे से। तो सबसे पहले तो इन्होंने बनाई थी कलेजी, तो वो इनके लिए मैंने अभी रखी हुई है, बिल्कुल वो भी तैयार होने को लिया। तो अभी इनका टाइम भी ख़त्म हो गया, मैं क्या चले जाए, पर ये तो बेचारे बैठे कह रहे हमें खा के जा रहे। मैंने कहा चलो जी चले जाओ और कहीं जाकर कुछ बनाना है, कह रहे नहीं हमने तो खा कर जाना है। सब देखो लाइन लगा के बैठ गए, कह रहे कि भाजी जल्दी जल्दी बनाओ और हमने खा के जाना है। चलो खैर ये जाम नहीं छोड़ने वाले लगते खा के जाएंगे, मैं देखती हूँ अपनी कलेजी को बाद में इसको बनाऊंगी, देखती हूँ ऐसा ना कि उनके चक्करों में मेरी कलेजी न जल जाए, फिर उन्होंने कहना जाम पूछ के इसमें जला दिया हमें खिलाने के। और देखिए माशाल्लाह कलेजी मैंने रखी हुई है, अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा कलेजी बनने में ना, अभी थोड़ा सा टाइम और लेगी कलेजी के तैयार होने। और उन्होंने देखो कितना शोर मचाया हुआ है, मैंने वैसे भी हल्की आंच की थी, मैंने कहा कि मैं उधर जा रही हूँ ऐसा ना कहीं ना खराब ना हो जाए नीचे जल ना दे, अभी थोड़ा तेज कर देती हूँ ताकि उन्हें थोड़ा सा हौसला मिल जाए। तो चलो जी अभी ना खाना वगैरह बनाया, सबको खाना खिलाया, और सालन जो है रात के लिए भी थोड़ा सा बना लिया, वो क्या ना बार बार बनता नहीं है इसलिए। और अभी ना हमें कहा चलो जब बाहर चलते हैं तो दुनियादारी देखते हैं, जाहिर सी बात है ईद है उस वक्त दुनिया होगी। तो अभी हम बाहर जाने लगे घूमने के लिए, तो आप सब भी हमारे साथ रहिए और हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलो जी आज हमारे साथ मिलकर सैर कीजिए। तो चलो जी अभी हम आ गए हैं पार्क, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, बच्चों ने इतना शोर मचाया है, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो अभी फिलहाल थक गई हूँ। और बच्चे जो है ना वो काफ़ी जिद कर रहे थे कि हमने पार्क में जाना, और देखे इतना ज़्यादा शोर है, मेरे तो सर में दर्द होने लग गया। और झूलों पर देखे कितना ज़्यादा शोर हो रहा है, एक झूले पर बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए वैसे है भी यहाँ पर कम झूले। खैर हमारे जो शहर वाले इन्हें चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा सारे झूले लगाएँ। और खदीजा जो है ना वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही, जा चलें घर, वो कह रही है मैंने सारे झूले में झूले लेकर जाना है, किधर जाना है। खदीजा कह रही है मैंने अभी उस झूले पर बैठना, और वहाँ पर तो ना अभी बच्चे बैठे हुए हैं उस झूले पर, और खदीजा जो है ना अभी उस झूले पर बैठने की जिद कर रही है। तो देखो अभी हमें वो वाला झूला मिलता है या नहीं। चलो खदीजा भागो, चलो और देखे यहाँ का व्यू चेक करें, यहाँ पर रश है लेकिन बच्चे काफ़ी हैं, और किसी बच्चों के साथ फैमिली आई है, किसी के बच्चों के साथ मतलब वालिद आए हुए हैं, भाई वगैरह। तो हमारे बच्चे भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हमें ले जाओ, और यहाँ पर और कोई तो पार्क है नहीं, तो इसलिए हम इनको इधर ही लेकर आते हैं, जब भी ईद हो कुछ भी हो तो वो काफ़ी ज़िद करते हैं।
तो इसलिए हम दूर तो कहीं जाते नहीं है, तो इसलिए हम इधर ही आ जाते हैं। तो देखिए खदीजा और दुआ जो है ना अभी यहाँ पर बैठकर झूले ले रही हैं और काफी रश है यहाँ पर, और बच्चे जो है ना सब इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। वैसे तो माशाल्लाह झूले लगे हुए हैं ठीक ठाक है, थोड़े से हैं, पर जिस झूले पे कोई बच्चा बैठ जाए ना वो उतने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए सारे बच्चों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये देखो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे आज काफी तैयार हुए हुए हैं। जाहिर सी बात है ईद है, ईद तो बच्चों की होती है। खदीजा क्यों, खदीजा क्या कर रही हो? ये वैसे भी बहुत वजनी है, दो और खदीजा इसके ऊपर बैठी, बैठ जाओ। और वो जो पास बच्चे खड़े हैं वो देख रहे हैं, तो मैंने कहा उनको भी कहा कि आप भी बैठ जाओ। चलो जी सारे बच्चे झूले लो और मैं आपको झूले देती हूँ, ठीक है खदीजा? दूँ झूले? तो चलो जी अभी मैं आई हूँ गोलगप्पे लेने के लिए। वैसे तो यहाँ पर कोई चीज़ और है नहीं, ये देखे जूस है और बाकी ये कुल्फियाँ वगैरह हैं बच्चों के लिए, और ये वो ये वाली जो बोतल है ना ये है। तो बस मैंने कहा चलो जी गोलगप्पे खा लेते हैं, तो भाई कह रहा कि आप अंदर जा कर बैठ जाएं, तो हम आपके पास भिजवा देते हैं। वहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी इसलिए भाई जो है ना वो अभी यहाँ पर ही ले आया है। तो अभी हम खाने लगे हैं गोलगप्पे, और वैसे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और रश भी इतना ज़्यादा हो गया ना, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया और रश ज़्यादा बढ़ गया। देखो किस तरह शोर मचा रहे हैं। वैसे आपस की बात है, ये जो खट्टा उन्होंने बनाया ना काफी मजेदार है। मैं तो कह रही हूँ कि खट्टा ही ले लेना था, इनके तो ऐसे पैसे हमने बस। खट्टा वैसे भी ठंडा ठंडा है ना, तो मजे का लग रहा है। रोजी और पिंक खाली होंगी फिर रोजी है, रोजी चाल बस। तो चलो जी अभी हम आ गए घर और आज तो काफी थक गए हैं। पहले गोश्त बनवाया और उसके बाद फिर सारा गोश्त मैंने बांटा, फिर सालन बनाया, फिर थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो जी सैर करके आते हैं, बाहर दुनियादारी देख कर आते हैं। और इतना रश था और इतनी ऊपर से गर्मी थी, हल ना ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो हमारी तो बस ही हो गई और आँखों दर्द होने लगी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी, अगर पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में रखिए याद, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।